अब क्योंकि यही मंझे हुए कलाकार की खासियत भी होती है कि कैसे वो फिल्म जगत की बात करते हुए राजनीति पर सारी बातों को लेकर आ जाते हैं, और अब क्योंकि सांसद में तो सवाल तो बनते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर भी सवाल, क्योंकि कानून व्यवस्था के भी हैं, उपचुनाव भी आ गए हैं, तो तैयारी कैसी है? हम लोग जीतेंगे, ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। वो झूठ की काट की हाणी बार बार नहीं चढ़ती, वो हम लोग के साथ धोखा हो गया। उस वक्त जनता भी आज बहुत दुखी थी, और उसी जनता का आक्रोश आपने हरियाणा में देख लिया। वो झूठ का बॉन्ड, वो कांग्रेस की झूठ, वो सारी बातें, वो लोगों ने सपा के झूठ, वो जातिकरण जो किया उन्होंने, बहुत संविधान का झूठ जो फैलाया, वो सब पर से पर्दा हट गया। देश को जैसे पता चला कि सब लोग का प्लान था मोदी जी को कमजोर करना, अब देश आक्रोशित होकर खड़ा हो गया है। आप देखिएगा उपचुनाव का रिजल्ट कुछ ही महीने में आपके सामने आएगा, आपके सामने झारखंड का रिजल्ट आएगा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, और सब भाजपा के पक्ष में होगा। 2027 से पहले हम क्या ये समझे कि ये एक रिपोर्ट कार्ड हो सकता है, क्योंकि सभी पार्टियां ये कह रही है कि सारी सीटें हमारे खाते में आने वाली है। और इसी के साथ मेरा एक सवाल और है आपसे, क्योंकि आप लगातार चुने गए गोरखपुर से, अब ऐसे में आपने वहां पर कई सारी विकास योजनाएं हैं, आप वहां पर रोड लेकर के आए हैं, 2600 करोड़ की योजना लेकर के आए हैं, और ऐसी कई चीजें प्रस्तावित है। आपने खुद बताया कि वहां पर फिल्मों की शूटिंग होती है, तो वहां के लोगों को आने वाले वक्त में और क्या मिलने वाला है? देखिए, आने वाले वक्त में गोरखपुर से पलायन पूरा बंद हो, यही प्लानिंग है, यही डबल इंजन सरकार की, पूरा पलायन बंद हो, रोजगार हम लोग दे रहे हैं फिल्म के शूटिंग के माध्यम से, गीडा इंडस्ट्रियल के माध्यम से, रेडी पटरी वाड़े को विश्वकर्मा योजना जो प्रधानमंत्री की, बेटियों के लिए अनगिनत योजनाएं हैं, हर सारे मजदूरों के लिए योजनाएं हैं, उससे गोरखपुर और पूर्वांचल और पूरा उत्तर प्रदेश, आज पूरा पलायन काफ़ी दर्द काफ़ी हद तक वहाँ पर से कम हो गया है। थॉट प्रोसेस एजुकेशन सिस्टम और हेल्थ सिस्टम को ज़्यादा काम किया जा रहा है। स्मार्ट टीवी जो मैं अपनी निधि द्वारा भी, मुख्यमंत्री द्वारा भी, प्रधानमंत्री जी के द्वारा भी, जितने स्मार्ट टीवी हैं गांव देहात में, अब गोरखपुर में स्मार्ट टीवी में बच्चे आज की तारीख में पढ़ रहे हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। मैं अभी इस वक्त बात कर रहा हूँ, वहाँ सब मोस्टली 60% ऑफ विलेज के स्कूल में स्मार्ट टीवी लग गया, 40% जो बचा है वो हम लोग तुरंत लगवा देंगे। देखिए, ये हुआ है, इसका जिक्र आप जो यहाँ पर कर रहे हैं, और एक सीरियस नोट पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आपने कहा कि उपचुनाव अब आने वाले हैं और आप देखिएगा जो नतीजे सामने आएंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो नतीजे आए उसे जिस तरीके से प्रिडिक्ट करने की कोशिश की गई, 99 किसी के आते हैं, 1-240 लेकर आता है, और ये एक प्रिडिक्शन कहीं ना कहीं करने की कोशिश हुई, उसे इस तरीके से दिखाने की कोशिश हुई कि जीत जो है वो हारने वाले की हुई है। ये जो सिचुएशन है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या मैसेज सही से डिलीवर नहीं हुआ, लोगों को भ्रमित कर लिया गया लगातार जिस तरीके के बयानबाजी का दौर चला, और क्या जनता अब इससे उबर गई है इस वक्त के दौरान? देखिए, उस वक्त बहुत सारी चीजें खोता ना, कभी कभी हम लोग अटैक काउंटर अटैक नहीं कर पाए, उन लोगों ने परसेप्शन बनाया शायद हम लोग थोड़ा सा लेट बैक रहे, हमारा आईटी सेल थोड़ा पीछे रहा, उनके सारे 26 लोग एक साथ आए थे, उनका आईटी सेल एक्टिव था, साइलेंटली उन लोग बॉन्ड लेके 3 महीने पहले उनके एनजीओ द्वारा काम कर रहे थे, बहुत सारे धोखे हुए जिस पर बहुत सारी बातें हो गई। अब हम लोग वेरी वेल प्रिपेयर्ड हैं। फिर उन्होंने कहा कि केंद्र से और महाराज जी के बीच का कुछ तालमेल ठीक नहीं है, कल रात से एक फोटो वायरल हो रही है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी मुस्कुराते हुए महाराज जी से बात कर रहे हैं, उस फोटो के देख के विरोधी लोगों की नींद उड़ गई है, होश उड़ गए हैं, भाजपा में सब कुछ अच्छा है, हमारा शीर्ष नेतृत्व देश के विकास को चाहता है, उत्तर प्रदेश आज अपने आप में एक देश है, शीर्ष नेतृत्व का सोच छोटी नहीं है, कल वो हमारे गृह मंत्री का दिल और उनका दिमाग, अगर उनको चाणक्य कहा जाता है, लेकिन उनकी सोच में उत्तर प्रदेश है, पूरा भारत है, भारत को विकसित, भारत की ग्रोथ है, प्रधानमंत्री जी के सपने हैं। तो ये छोटी सोच जो विरोधियों ने फैलाई थी कि कुछ अनबन है, वो सारी चीज़ें कल रात की आप तस्वीर अब परसों की बैठक की देखेंगे जो काफ़ी वायरल हुई है अमित शाह जी की और पूज्य योगी महाराज जी की, उससे भी चीज़ें क्लियर हो गई, और ये दर्शाता है कि हमारा उपचुनाव, हमारा झारखंड या हमारे भारत का विकास और विकसित भारत का जो सपना है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, उसमें कोई भी रुकावट अब नहीं आएगी, कहीं भी भाजपा में कोई अलगाव नहीं है, पूरा संगठन एक मत होके राष्ट्र सर्वोपरि के नारे के साथ चल रहा है।
मेरी सहयोगी अनामिका पांडे का आपसे एक सवाल था कि इतनी व्यस्तता के बीच में आप वेब सीरीज और फिल्म के लिए समय कैसे निकालते हो। और एक बात और मैं बता दूं, जब पहली बार सांसद बने तो 486 से ज्यादा मुद्दे उठाए आपने अपनी संसद क्षेत्र के, तो इस सबके बीच में आप दोनों ही रोल अपने जीवन में, कहना चाहिए कि आप अपने जीवन में दोनों ही रोल के साथ पूरी तरीके से 100% दे रहे हैं, अभिनेता के तौर पर भी और नेता के तौर पर भी। प्रधानमंत्री मोदी जी से हम बहुत कुछ सीखे हैं। आप लोगों की भी जानकारी में बता दूं कि जब वो मुख्यमंत्री बने थे तो आप बहुत कम लोगों को जानकारी, जहां मुझे जानकारी मिली कि वो ऑलमोस्ट 46 देश का भ्रमण वो कर चुके थे तब मुख्यमंत्री का पद उन्होंने लिया था। ये बड़ी सोचने जैसी बात है, कितना वेल प्लान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं। मुख्यमंत्री बनने के पहले वो 46 देशों का भ्रमण कर चुके थे अपने मित्रगण के साथ, ताकि देश में मैं जब कभी कुछ करूंगा अपने देश के लिए, अपने प्रदेश गुजरात के लिए, तो कैसे रोड मैप। फिर प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने जो भ्रमण किया पूरे विश्व का, उसका रिजल्ट आज आप अपने भारत में देख रहे हैं। आज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हम लोग बनने जा रहे हैं। आज हमारी ग्रोथ, हमारे फ्लाईओवर्स, हमारे ब्रिज, हाइएस्ट फ्लाईओवर जो कश्मीर में बना है, या कश्मीर में टेररिज्म जो पत्थर और बंदूक फेंक दिए गए, और सड़कों का जो जाल आप देख रहे हैं, एजुकेशन या हेल्थ सिस्टम या स्वच्छता को लेके, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या टॉयलेट को लेके कि भाई पहली बार इस देश में शौचालय की सोच लेके कोई आएंगे, 370 की धारा, ये एक ऐतिहासिक जो कदम किया, ये हमने कभी नहीं सोचा था। वही बगल में पाकिस्तान की हालत देख लीजिए, बगल में और सारी देश हैं, चाइना अपना पूरा मार्केट, अपनी अपने फेथ को पूरे बाजार में खो चुका है, और आज भारत पे पूरे विश्व का फेथ है। आज हम लोग एक बहुत बड़ी शक्ति बनते जा रहे हैं। आज वी आर डूइंग फैंटास्टिक। आज हमारा GDP देख लीजिए, कोविड के बाद भारत रुका ही नहीं, भारत ग्रो ही कर रहा है। इतने सारे ताने बानों के बाद, इतने सारे विरोधी, छिपे हुए आतंकवादी भारत में हैं, हार्म करना चाह रहे हैं, छिपा हुआ IT सेल है जो भारत के विरोध में काम कर रहा है विदेशी ताकतों के साथ, उसके बावजूद ये प्रधानमंत्री जी की जो निरंतर 24 घंटे में, अगर वो 18-20 घंटे रोज काम कर रहे हैं, एक छुट्टी नहीं ली। सुने कभी उनको 2-3 दिन के लिए निमोनिया हुआ था बहुत साल पहले, वही छुट्टी गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री ले, आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली। 365 दिन काम करने वाले, मुझे नहीं लगता विश्व में कोई नेता, कोई लीडर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की तरह होगा। ना ताकत है किसी की, ना ये सोच है किसी की। रवि जी, ये जिन बातों का आप जिक्र कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें कनेक्ट होती हैं भारत के विकास से, और ख़ास तौर पर उत्तर प्रदेश का अगर मैं जिक्र करूं, क्योंकि आप वहाँ से सांसद भी हैं। बड़ी बात ये है कि आपके जो विरोधी हैं, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, अखिलेश यादव बार बार जो हैं वो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं, वो कहते हैं कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है, एनकाउंटर्स को लेकर सवाल उठाते हैं। और अभी हाल ही में एक बयान जो सबसे ज़्यादा चर्चा में रहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कटोगे बटोगे तो कटोगे, और उसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि जो बांटेंगे वो महफिल सजाएंगे। वो कहते हैं कि ये बांटने की राजनीति पर फोकस कर रहे हैं, ये बांटकर जो है राज करने की राजनीति पर काम कर रहे हैं। देखिए बहुत, ये वो लोग कह रहे हैं जब उनके राज्य में चार चार जिला, मैं तो गवाह हूं बिहार यूपी में, मैं शूटिंग करता था, मैंने मुझसे शायद ही कोई जिला बचा होगा, मैं 750 फिल्म कर चुका हूं, और मैंने अपनी आंखों से देखा कि माफिया जिला चलाते थे। ये लोग वो बात ना करें, इनकाउंटर उनका हो जिस पर कल गोली लगी, वो लड़का खुद देख वीडियो में बोल रहा है कि उन्होंने, पुलिस वाले ने बोला क्यों पुलिस पे दो क्राइम करके फिर पुलिस पे भी गोली दागे, क्यों बोलता नहीं गलती हो गलती से दागे। तो ये वो लोग हैं जो पुलिस पर फायर कर रहे हैं। अब पुलिस वो समय नहीं रहा, ये यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के टाइम पर आप लोग भूल जाइए, ना फौज अपने बंदूक को रोकेगी, ना पुलिस बंदूक को रोकेगी। अगर आप फायर करोगे फायर बैक होगा, पुलिस पर अटैक करोगे पुलिस अटैक करेगी। देश की सुरक्षा, बेटियों की सुरक्षा, समाज में भय पैदा करने का अधिकार अब किसी को नहीं। ये समय बदल गया, ये वो निष्पक्ष एकदम क्लियर सरकार आई है जिसका विजन है राष्ट्र सर्वोपरि। आप रहिए, प्रेम से रहिए, गोरखपुर में 2 लाख मुसलमान समुदाय रहता है, आप वोट देते नहीं देते हो, सारी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी की सब मिलती हैं, मुख्यमंत्री जी की सारी सुविधाएं लेते हैं, सुरक्षा